लाइक सब्सक्राइब बेल आइकॉन। दोस्तों ये हमारे पास एक लैपटॉप आया है, ये लैपटॉप में प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क नॉट फाउंड का दे रहा है। इसको हम ऑन करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या मसला है। उसके लिए आप ये वीडियो खोल देखें, ये देखें दे रहा है इंटरनल हार्ड डिस्क नॉट ड्राइव। इसका जो प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम होती है, हार्ड डिस्क भी खराब हो सकती है, विंडो भी खराब हो सकती है, पर आपको इसके लिए मैं आपका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क को आपने खोलना है, हार्ड डिस्क को खोलना है, इसकी हार्ड डिस्क है, इसको खोल के निकालना है, निकाल के इसको आपने साफ करना है कपड़े से। ठीक है, मैं कपड़े से साफ करता हूँ, उसको साफ करके फिर इसको आपने लगा देना है जगह पे, सेट कर देना है। देखिए इसको दबा कर रखें, इसको एक हाथ से आपने दबा कर रखना है, दूसरे हाथ से आपने इसको दोबारा ऑन करना है बंद करके। देखिए इसको दबाई रखना है, ये बंद हो गया। इसको पहले हम लॉकआउट कर देते हैं क्योंकि दूसरे तरीके से चल गया है। शट डाउन करके रीबूट कर देते हैं, रीबूट करके इसको हार्ड डिस्क को दबा कर रखना है, अपने हार्ड डिस्क को आपको तो दबा कर रखना है। अभी खुद स्टार्ट होके विंडो पकड़ लेगा और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दे रहा है, इसको आपने मुकम्मल तौर पर बंद करना है, बंद कर दिया। उसके बाद इस हार्ड डिस्क को निकाल के लगाना है ज़ोर से, लगा के इसको ऑन करना है। ये देखिए फिर नो स्टार्ट हो गया, तब जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, आपका ये काम करना शुरू कर दिया है। देखिए विंडो ऑन हो गया, देखिए विंडो ऑन हो गया। ऐसे आप ही अपने लैपटॉप का जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको हार्ड डिस्क को सही रखना चाहिए, अगर आपका हार्ड डिस्क हिल जाता है या कचरा आ जाता है